हाँ जी बोलिए। गुरु जी, आप एक यूथ आइकन हो। यूथ आपसे बात करना और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। आपसे चाहेंगे कि आप यूथ को एक मैसेज दें। जैसे आजकल एकल परिवार की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, यूथ अपने परिवार में हस्बैंड और वाइफ बच्चों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बुजुर्गों के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो आपसे चाहेंगे कि आप मैसेज दें कि वो परिवार के साथ रहें, क्योंकि बुजुर्गों को एक टाइम में परिवार की जरूरत पड़ती है, वो अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। बिल्कुल, बच्चों को, नौजवानों को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। अभी हमने डिजिटल फास्टिंग जो शुरू की है, एक बच्चे का अनुभव आपको बताते हैं। उसने बोला, गुरुजी मैं हमेशा फ़ोन पे लगा रहता था, जब से आपने बोला 7 से 9 तो परिवार से बातें करो, मैंने परिवार से बातें करनी शुरू की, तो तब मुझे पता चला कि मेरे घर में तो हीरो भरे पड़े हैं, जो मैं बाहर ढूंढा करता था मुझे मेरे घर में मिले। क्योंकि आपके माँ बाप बुज़ुर्ग जो हैं उनको तजुर्बा है ज़िंदगी का, बहुत सारा नॉलेज आप किताबों से ले सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज आप अपने यार दोस्त मित्रों से ले सकते हैं, लेकिन एक नॉलेज ऐसा होता है जो उम्र सिखाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी वो सीखता चला जाता है, तो इसलिए वो बुज़ुर्ग जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, आप उनका साथ दें। और ये हमारी संस्कृति भी है, बचपन में माँ बाप बच्चे का टट्टी पेशाब उठाते हैं, और बुढ़ापे में अगर माँ बाप कमज़ोर हो जाते हैं तो बच्चे सहारा बनते हैं। ये हमारी ऐसी संस्कृति है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हम अपने बच्चों से यही, सभी से जो भी सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि प्यार से आप अपने माँ बाप के साथ पेश आया करें और उनका सत्कार करें, उनके साथ रहा करें, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप बाहर ढूंढते हैं हो सकता है आपको घर से ही मिल जाए।